नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार ठाकुर आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें विद राकेश ठाकुर में स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस क्लास 10 के आधारित, ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जिसको आप सिविक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, इन पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कवर होंगे। क्लास 10 बेस, एनसीईआरटी बेस है ये, ठीक है। और प्रधान शिक्षक के ध्यान में रख के ये सिलेबस बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे यदि आप जाएंगे तो पूरा आपका सिलेबस मैक्सिमम तौर पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कवर है अंडर सोशल साइंस क्लास 10 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, क्या क्या टॉपिक पढ़ना रहता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। अब इसमें ये पार्ट में स्पेशल एडिशन है हिस्ट्री, ठीक है। ये पूरे जो वीडियोज आएंगे 4 पार्ट में आएंगे। अभी हम हिस्ट्री पार्ट में देख रहे हैं। हिस्ट्री में जो चैप्टर है क्लास 10 में एनसीईआरटी बेस सोशल साइंस के अंदर, उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, काम, आराम और जीवन, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, उपन्यास, समाज और इतिहास, ये जनरल क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये आपके पूरे सिलेबस के बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है। एक बार कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, मैं थोड़ा तेज चलूंगा। क्वेश्चन 131 है, फास्ट कवर करने का कोशिश करूंगा। ऑप्शन आप रीड कर लेना, मैं सिर्फ आंसर बताते चलूंगा, ठीक है। आंसर है तुर्की का वो कौन था, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर है सार्डिनिया और पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। मरियान किस देश के राष्ट्रवादक प्रतीक थी, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है मेजिनी कार्बोनेरी है, ये क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आंसर है निरंकुश राजतंत्र। ये आपको प्रैक्टिस करने में भी इजी जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है यूनान। यंग इटली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है बी 1831 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है बी 1707 में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है मेजनी को। 11 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है जेयुसेफे मेत्सिनी, ठीक है, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सेडोहो के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है सी ऑस्ट्रिया की। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है टीपू सुल्तान बी। क्वेश्चन नंबर 14, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक ही जैसे नाम है, ऑप्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है। ए लुई 16। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है सी डान का युद्ध डी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है निरंकुश शासन।
क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है 1945 में। क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है राइन संघ। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 20, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था कौन से साल में, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1804 में। कन्फ्यूशियस कौन था, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है ए, चीन का विचारक। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, लियोंग कीचाओ कौन था, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है चीनी सुधारक। ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1939। क्वेश्चन नंबर 24 है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है हो चो मिन, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, ध्यान से थोड़ा दीजिएगा, आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, द हिस्ट्री ऑफ द लियोस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है फान बोई चौ। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1887 डी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है निक्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है कोलोन। क्वेश्चन नंबर 30, जेनेवा समझौता किस वर्ष में हुआ, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1954। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया, आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 32, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1930 में। क्वेश्चन नंबर 33, अंगकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है कंबोडिया, ये हिंदू मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है पेरिस शांति संधि। क्वेश्चन नंबर 35, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी किस देश से थे, आंसर है पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 36, हनोई में कौन सा महामारी फैल गई थी और कब, ऑप्शन दिए गए हैं, सी, ब्यूनिक प्लेग 1903। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष में, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1887 डी। 38 क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था, आंसर है पूरब की ओर चलो, सी। क्वेश्चन नंबर 39, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है चितरंजन दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है 1928 में। क्वेश्चन नंबर 41, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यहां गलत लिखा, किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है ए, एनी बसंत।
43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गदर पार्टी का प्रमुख नेता था, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है हरदया। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1924 में। क्वेश्चन नंबर 45, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, आंसर ऑप्शन दिए गए, आंसर है हंटर समिति। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। शेरे पंजाब किसका उपनाम है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है सी लाला लाजपत राय। 47, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है महेंद्र प्रताप। क्वेश्चन नंबर 49, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन दिए गए हैं, ए भारत में उत्तरदायी सरकार बनाना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण, जलियांवाला बाग में भारतीय हत्या के विरोध में, भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने में, बंगाल विभाजन के विरोध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ऑप्शन सारे रीड कर लिए, आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, आंसर है 31 दिसंबर 1929 को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई, ये अगेन दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे तरीके से पूछ रहा है, आंसर है बी स्वदेशी आंदोलन। 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1913 में। क्वेश्चन नंबर 53, 54 कंबाइन करके पूछा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, यहां पे दोनों क्वेश्चन एक साथ ज्वाइन कर दिया हूं, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, और किसने की थी, तो बी हेड गेवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, बॉम्बे के कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1934 बी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, आंसर है 1914। 57, क्वेश्चन नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है दयानंद सरस्वती। 58, किसने 1920 में ईस्वी में ताक्सन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक है, आंसर है बी एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, आंसर है 1919 में। क्वेश्चन नंबर 60, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है 1929। क्वेश्चन नंबर 61, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा, आंसर है अमेरिका। 62 की तरफ बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ, ऑप्शन दिए गए हैं, बी संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 63, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, आंसर है एशिया। 64, क्वेश्चन नंबर, वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की थी, आंसर है भारत। 65 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है आयात निर्यात घट गया। क्वेश्चन नंबर 66, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है एशिया। क्वेश्चन नंबर 67, 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है
अमेरिका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 70, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछते रहते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है सी हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। क्वेश्चन नंबर 72, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है सिल्क मार्ग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर बी दो अंतरराष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दो को ब्रेटन वुड्स का जुड़वे संतान बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रिंडर पेस्ट क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है एक बीमारी। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रेटन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है तनाव मुक्त काम करना। ठीक है, 77, निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? आंसर है बर्लिन में। 78 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1730। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी लो इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है इनमें से सभी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 81, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है 1854। क्वेश्चन नंबर 82, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है जेम्स वाट। नंबर 83, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? इससे पहले हमने देखा था विश्व का, अब भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन दिए गए, आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, 84 क्वेश्चन, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता है? सूरत, मद्रास, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं, सूरत। ठीक है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है 1854 को मुंबई में। शुरुआती कारखाने कहां और कब आए? ठीक है, ऑप्शन दिए गए, आंसर है 1730 के दशक में इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 89, दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है उपरोक्त सभी, ओरिएंट के अलादीन की जिसने अपनी जादुई चिराग से एक सूरत महल बनाया, एक आधुनिक मैकेनिक जो अपनी जादुई उपकरण के साथ पुलों, जहाजों, टावर और ऊंची इमारतों का निर्माण कराता है, पूर्व
और पश्चिम के बीच अंतर अलादीन पूर्व और अतीत का और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। दी उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? अच्छा क्वेश्चन है। ए 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। बी 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। सी 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, ऊनी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला क्यों किया? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उनको डर था बेरोजगारी का। ठीक है, बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अक्सर किया। प्रौद्योगिकी भी महिलाओं को पता नहीं था मशीन से कैसे काम करती है। सी महिलाओं हाथ से कतई पर निर्भर थी, इसलिए शुरू में उन्होंने रेसिस्ट किया। 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्ड्स आर्कराइट। 92 क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन गुमस्तों से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है। आंसर है कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। ठीक है, 94, पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव से। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी रुपये प्रबंध एजेंसी नहीं थी? ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर है एलिगन मिल। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, बॉम्बे टाउन प्लानिंग किसके डर के कारण सामने आया? आंसर है प्लेग महामारी। 97 क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? आंसर है राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रेसिडेंसी शहर नहीं है? ऑप्शन दिया गया है। आंसर है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 99, बॉम्बे के निम्नलिखित उपशहरीय में से कौन एक मील गांव था? ठीक है, बॉम्बे के किनारे कौन सा एक छोटा गांव था जिसको उपशहरीय, बॉम्बे के निम्नलिखित उपशहरीय में से कौन सा एक मील गांव था? तो ऑप्शन दिया गया, आंसर है गिरीगांव। क्वेश्चन नंबर 100, बॉम्बे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह के में दहेज के रूप में ब्रिटिश हाथों में चला गया जो निम्न से एक है। ठीक है, किन के साथ उनका विवाह हुआ था? बेसिकली वो पूछा जा रहा है, तो पुर्तगाल राजकुमारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 101, उन्नीसवीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर था? ठीक है, ये आंसर है बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौल के लिए उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, चौल बहुस्तरीय संरचनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली फिल्म 1896 में शूट की गई थी, वो कौन सी थी? तो वो हरिश्चंद्र भटवाड़ेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस शहर को मायापुरी या सपनों का शहर कहा जाता है? सभी को जानते हैं, बताइए, बॉम्बे। गार्डन सिटी के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? ऑप्शन दिए गए, आंसर है एवेंजर हॉवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला खंड कब खोला गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए, आंसर है 10 जनवरी 1863। क्वेश्चन नंबर 106, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रतिरूपित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है आयरिश प्रेस कानून। 107, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है बंगाल गजट। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक के नाम चुने? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है डायमंड सूत्र।
क्वेश्चन नंबर 109, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है पुर्तगाल मिशनरी के द्वारा। 110 क्वेश्चन नंबर है, प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? ऑप्शन दिया गया है, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 111, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 112, गुलामगिरी में जातीय व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है ज्योतिबा फुले। 113, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है बी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है एदो। क्वेश्चन नंबर 115, सुलेखन शब्द का अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है, आंसर है सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। 116, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है बंगाल गजट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है? आंसर है आमर जीवन। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदी में नहीं लिखी गई? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, आंसर है इंदिराबाई, 1899 में प्रकाशित। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय साहित्य में गद्य की कहानी का सबसे पहला उदाहरण है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है ए, 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में कादंबरी। 120, निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया? आंसर है चंद्रकांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, जेम ऑस्टिन के उपन्यास ने किस दुनिया को चित्रित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है बी, 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन में ग्रामीण कुलीन समाज की महिलाओं को। क्वेश्चन 122, हार्ड टाइम्स उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है चार्ल्स डिकेंस ने। 123, अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है ए, 1836 में चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 124, 18वीं शताब्दी में लेखक विभिन्न साहित्य शैलियों के साथ प्रयोग क्यों कर सकते थे? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है ए एंड बी। क्या है ए एंड बी? पाठकों की वृद्धि ने पुस्तकों के लिए बाजार का विस्तार किया और लेखकों की कमाई में वृद्धि हुई। दूसरा, लेखक वित्तीय निर्भरता और अभिजात वर्ग के संरक्षण से मुक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, अंग्रेजी में पहला उपन्यास था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है हेनरी फील्डिंग के टॉम जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 26, औपनिवेशिक कब्जे के काल पक्ष को चित्रित करने वाला पहला उपन्यासकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है सी, जोसेफ कॉनरेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ बढ़ते हैं। अपने उपन्यास मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में थॉमस हार्डी शोक व्यक्त करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है ए और सी। देख लेते हैं, पारंपरिक ग्रामीण समुदाय का नुकसान, व्यक्तिगत दुनिया का नुकसान, और सी का क्या है, स्वतंत्र किसानों के साथ पुरानी ग्रामीण संस्कृति का मरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, असमिया में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आंसर है सी, 1900 में रजनीकांत वार्दोलाई द्वारा मनोमति ये पहला उपन्यास जो समय में लिखा गया था। 129 क्वेश्चन है, अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था 1836 में चार्ल्स डिकेंस का पीपर बॉक्स, ये दोबारा आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 130 क्वेश्चन नंबर, 18वीं शताब्दी के लेखक विभिन्न साहित्य शैलियों के साथ प्रयोग कर सकते थे, यह अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वापस आ रहा है, क्यों कर सकते थे, तो पाठकों की वृद्धि ने पुस्तकों बाजार का विस्तार किया, लेखों की कमाई की वृद्धि हुई और लेखीय वित्तीय निर्भरता अभिजात वर्ग के संरक्षण के मुक्त हो गए। ये जो जो क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं इसका मतलब है अब उस पर फोकस किया जा रहा है कि इस पर ध्यान रखना। रोमनो और वॉट कैटी डीड क्या है, क्वेश्चन नंबर 131 का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर, अमेरिकी महिला लेखकों द्वारा किशोर लड़कियों के लिए लिखी गई प्रेम कहानी। ठीक है, इसके साथ ये फर्स्ट जो पार्ट है हिस्ट्री, उसके जो क्लास 10 एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी जो जानकारी है समय के समय के साथ लाई जाएंगी, इसके नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं, आपके सुझाव मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और राकेश कुमार को आज्ञा दें। धन्यवाद।